अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू जॉब सेंटर एंड जीके यूट्यूब चैनल। इस वक्त पंजाब भर के मुख्तलिफ स्कूलों में 70,000 असातिज़ा की असामियाँ खाली हैं, लेकिन हुकूमत की जानब से चंद माह पहले बताया गया था कि अभी 2 साल तक एजुकेटर्स की भर्ती अनाउंस नहीं की जाएगी। तो ऐसे हालात में असातिज़ा की कमी को पूरा करने के लिए स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट की तरफ से आर्जी तौर पर टीचर भर्ती करने का फैसला किया गया है। जिस तरह सरकारी कॉलेजेस में सीडीएस की भर्ती होती है, इसी तरह सरकारी स्कूलों में भी आर्जी तौर पर असातिज़ा भर्ती किए जाएंगे। इसकी मुकम्मल तफसील अगर हम देखें तो ज़राए के मुताबिक महकमा स्कूल एजुकेशन पंजाब ने लाहौर समेत सूबे भर के सरकारी स्कूलों में कंट्रैक्ट पर पीटीसी असातिज़ा को भर्ती करने की मंजूरी दी है। बताया गया है कि पीटीसी असातिज़ा को सरकारी स्कूलों में शाम की शिफ्ट के लिए 2 माह के कंट्रैक्ट पर भर्ती किया जाएगा, जिनकी कारकर्दगी का जायज़ा लेने के बाद कंट्रैक्ट में तौसी की जाएगी। आर्जी तौर पर असातिज़ा को एफएससी और बीएससी के बुनियाद पर रखा जाएगा। पीटीसी टीचर्स का उर्दू, अंग्रेजी, साइंस और हिसाब पर अबूर होना लाजमी है। इन असातिज़ा को जो सैलरी है वो नॉन सैलरी बजट से अदायगियाँ की जाएंगी। ये फैसला 5 से 9 साल के बच्चों की 100% एनरोलमेंट में इजाफे के लिए किया गया है। खवातीन असातिज़ा को बॉयज स्कूल में रखा जाएगा, लेकिन गर्ल स्कूल में मर्द की बजाय खवातीन असातिज़ा को रखने पर तरजीह दी जाएगी। ये इजाज़त जो है स्कूल काउंसिल की मंजूरी से पार्ट टाइम टीचर रखने की इजाज़त दी गई है। तो दोस्तों, ये न्यूज़ अभी मीडिया में आई है, अभी इसका ऑफिशियल कोई ऐड या नोटिफिकेशन नहीं हुआ। इंशाल्लाह चंद दिनों तक इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन भी हो जाएगा और इसका ऐड भी बकायदा तौर पे आ जाएगा। तो जैसे ही इसके बारे में अपडेट आएगी आपको इसी चैनल पे मिल जाएगी। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में पहला आइकन क्रॉस भी प्रेस कीजिए ताकि आपको मजीद आने वाले वीडियोज़ का नोटिफिकेशन भी मिलता रहे। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर लाजमी कीजिएगा। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।